ये देखिए गाइस, बिना पानी का कूलर, विदाउट वाटर कूलर। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज अनदर ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इक्कू, आप देख रहे हैं मिस्टर इक्कू ब्लॉग। सर मैं बिलोंग करता हूँ पलामू के एक छोटे से गांव पाटन से। तो गाइस आज हम रांची में जा रहे हैं मोराबादी ग्राउंड, और आपको वहाँ दिखाएंगे मोराबादी ग्राउंड कैसा है और कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ है वहाँ पे, तो सारा कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलते हैं, मिलते हैं आपको मोराबादी ग्राउंड में। सो हे गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं मोराबादी ग्राउंड। मोराबादी ग्राउंड में आने के बाद यहाँ पे एक बाजार लगा हुआ है जो हम आपको दिखाएंगे, वैसा नहीं रहा। तो पहले हम चलते हैं इस स्टेज पे और आपको दिखाते हैं ये स्टेज। फाइनली स्टेज बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा स्टेज है, आपको दिखाते हैं। चलिए हम ऊपर चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस देख सकते हैं ये स्टेज कितना बड़ा है। ये रहा पूरा टोटल आपका मोराबादी ग्राउंड, जिसमें अभी मार्केट लगा हुआ है। अंदर आपको जाकर दिखाएंगे, इसमें पूरा मार्केट लगा हुआ है। और उधर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, वो जो आपका दिख रहा है ना सबसे लास्ट में, ये वाला, ये रहा आपका बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम। ये है आपका मोराबादी ग्राउंड का ये बैठक वाला। यहाँ पर लगभग इसमें लगभग 200 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और ये बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छतरी लगा हुआ है। आपको बता दें कि आर्मी वगैरह जो रैली वो होता है, जो दौड़ किया करवाया जाता है, वो दौड़ इसी ग्राउंड में होता है, यही मोराबादी ग्राउंड में दौड़ होता है। और ये देखिए, ये जो लाइट लगी हुई है, ऐसे ऐसे लाइट लगभग 10 से 11 लाइट लगे हुए हैं, चारों तरफ लाइट लगी हुई है ये वाला। और मरकरी बल्ब भी लगा हुआ है, मरकरी बल्ब भी सारा जगह लगा हुआ है। ऐसी ऐसी लाइट काफ़ी लगी हुई है, लगभग 10 से 11 लाइटें हैं पूरे ग्राउंड में, और वो वाला तो पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम इधर से आपको दिखा चुके हैं सारा चीज़, अब आपको दिखाते हैं हम जाकर उधर, और ये बाज़ार में भी दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। और वो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, तो हम बाज़ार बस इतना ही दूर में लगा हुआ है, ज़्यादा दूर में बाजार लगा नहीं हुआ है, तो हम उधर भी जाकर दिखाएंगे आपको। तो चलिए वीडियो बने रहिए एंड तक, चलते हैं नीचे। इसका तो आपको दिखा चुके हैं पूरा। यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो यहाँ पे है ये वाला, यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री जो कोई भी होते हैं, मतलब जो भी रहते हैं उस टाइम में झारखंड के मुख्यमंत्री, यहाँ पे 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं। आपको बता रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं। और ये रहा आपका बैठक वाला जगह। अब चलते हैं हम उस साइड और देखते हैं कि बाज़ार में क्या है क्या नहीं है। और कुछ दिन पहले नहीं था, हाल ही में लगा हुआ है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उसके अंदर। ये लगा हुआ है गांधी शिल्प बाज़ार 2023, 13 मार्च 2023 से 28 मार्च 2023 तक डेट दिया हुआ। चलते हैं इसके अंदर। ओ भाई, यहाँ पे पूरा बाजार ही लगा हुआ है, सोफा सेट वगैरह, डाइनिंग टेबल वगैरह, और काफी ज्यादा ज्वेलरी का शॉप है। इसमें लगता है मछली होगा, लेकिन अभी मछली है नहीं, अभी नहीं है, बस ऐसे ही पानी है, बहुत सारा अलग अलग। ओ भाई ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और भी बहुत डिजाइन के बनाए गए हैं।
सारा और यहाँ पे अभी बिक रहा है। ये बाजार आपको 13 मार्च 2023 से लेकर 28 मार्च 2023 तक देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। ओ भाई ये देखिए मिक्की माउस, बचपन में हम इस पे खेला करते थे लेकिन अब बच्चे नहीं रहे तो अब नहीं खेलते हैं। मिक्की माउस है उधर, उधर और उधर है नहीं। तो यही था इसके अंदर का शिल्प बाज़ार, गांधी शिल्प बाज़ार, जो कि मोराबादी मैदान में लगा हुआ है, मोराबादी ग्राउंड में लगा हुआ है। तो आप लोग जाइए, आइए यहाँ पे और शॉपिंग कीजिए 13 मार्च से लेकर 28 मार्च तक 2023 में। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के बाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है। ये देखिए कालीन, कालीन मतलब सारा कुछ इसमें एडजस्ट किया गया है, कालीन वगैरह सारा कुछ है जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है, ये देखिए गाइस, बिना पानी का कूलर, विदाउट वाटर कूलर। ये देखिए आपका ड्राई फ्रूट, यहाँ पर सारे प्रकार के आपके ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, मतलब सारा चीज इसमें एडजस्ट किया हुआ है। और आ सकते हैं यहाँ पे, आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो यही था बस इस गांधी मार्केट में, डेट बहुत कम है, मतलब बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो आप लोग आइए और शॉपिंग कीजिए अच्छे से। रांची में मोराबादी ग्राउंड लोकेशन है, उसी के अंदर ये लगा हुआ है। ये रहा आपका आउटडोर, तो चलते हैं अब बाहर। आप लोग अगर रांची में हैं तो मोराबादी ग्राउंड आइए और अभी के बीच, मतलब अभी जो डेट चल रहा है उसके बीच में आकर शॉपिंग कर सकते हैं। फिर ये बाजार खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा, लेकिन मोराबादी ग्राउंड हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड थोड़ी ना इधर उधर जाएगा। चलिए अब आउटडोर से हम निकल जाते हैं बाहर। गाइज यहाँ पे भी आ चुके हैं इधर वाला हिस्सा में मोराबादी ग्राउंड के, और अभी तो इसमें इसके अंदर बाजार लगा हुआ है, गांधी शिल्प बाजार, जो कि अभी लगा हुआ है। तो अभी तो पूरा ग्राउंड नहीं दिख सकता है, लेकिन कोई ना, आप लोग यही देख सकते हैं आराम से। ये जो लाइटें जो लगी हुई है, ये लगभग पूरे ग्राउंड में 10 से 11 लाइटें लगी हुई है पूरे ग्राउंड में, और ग्राउंड बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग कार सीखने भी आते हैं, कार लेकर यहाँ पर चलाने आते हैं, सीखने आते हैं, और आर्मी वगैरह का जो दौड़ होता है, रैली होता है, वो इसी ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। और जो आपको वहाँ पे स्टेज दिखाए थे बैठक वाला, वहाँ पे लोग, वहाँ पे बहुत वहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं और उसी मंच पे बैठते हैं, वही मंच पे उनका वो सब सारा होता है प्रोग्राम, और वो मंच काफ़ी बड़ा है, आप लोग को वीडियो में दिखाएं जैसे कि। और उसके सामने वाले साइड में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, जस्ट मोराबादी ग्राउंड के सामने ही, मोराबादी ग्राउंड है और वहाँ के सामने ही बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। तो ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप लोग को हम सारा कुछ दिखा चुके हैं इस वीडियो में। और एक बात और बताएं, अभी तो धूप उग गया, कुछ देर पहले ना बादल छाए हुए थे, तो हम छाता लेकर आए थे स्पेशल कि अगर बारिश होने लगी तो कैसे कहाँ जाएंगे, इसीलिए छाता लेकर आए थे हम। अब इसको डाल देते हैं अपने थैली में, क्योंकि थैली बहुत बड़ा है अपना, ये देखिए तो थैली बहुत बड़ा है अपना, तो ये सब हो गया, पॉकेट में डाल लिए अपना। अब चलते हैं हम लोग, अब कहाँ चलेंगे, अब चलते हैं, वीडियो को, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद आप लोग को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और गाइस बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के एक ब्लॉग के लिए, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर किया कीजिए, पूरा दिखिए वीडियो को, बहुत इन्जॉय आएगा आप लोगों को। और चलते हैं फिर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।